आज की हमारी रेसिपी है आलू बैंगन की मसालेदार सब्जी, जो बहुत ही इजी तरीके से बना है और झटपट बनता भी है और खाने में उतना ही टेस्टी है। आप लोग बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कैसा बना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इजी कुकिंग में। यहाँ पर मैंने दो बैंगन लिए हैं, इसे मैं इस तरह से पहले गोल गोल काट के इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। मीडियम साइज़ के हमको टुकड़े करने हैं। मैं ऐसे गोल करके इनके चार पीसेस कट कर लूँगी। इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा। बैंगन सॉफ्ट होते हैं और जल्दी पक जाते हैं, इसलिए मैं मीडियम साइज़ के ही इसी टाइप से चार टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ। आप कोई सा भी बैंगन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लंबे वाले बैंगन मैंने यूज़ किए हैं। उसे मैंने तुरंत ही पानी में डिप कर दिया है कि बैंगन काले ना हो जाए। साथ ही मैंने यहाँ दो आलू लिया है, जिसे हम लोग छील लेंगे, पील कर लेंगे। उसके बाद उसे भी हम उसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे। साथ ही मैंने एक टमाटर लिया है, उसे मैंने बारीक काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कटा है, मीडियम साइज़ में मैंने काट लिया। इस तरीके से आप बारीक भी काट सकते हैं और थोड़े बड़े पीसेस में भी टमाटर काट सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने टमाटर को काट लिया। साथ ही मैंने आधा इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे मैं भी बारीक बारीक कट कर लूँगी, एकदम बारीक। इसी तरीके से मैंने कट कर लिया है। साथ ही मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली है, उसे भी मैंने इसी तरीके से बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 15 से 20 कलियाँ लहसुन की ली है, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, इसे भी हमें बारीक कट कर लेना है। आप लोग भी इसी तरीके से बारीक कट कर लीजिए। इसी तरीके से आप सभी चीज़ों को बारीक बारीक ही कट करिए। मैंने अदरक लहसुन को इसी तरीके से बारीक कट कर लिया है। यहाँ हमारा प्याज लहसुन अदरक टमाटर कट हो चुका है, अब हम बनाएंगे सब्जी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल यूज़ किया है, 4 से 5 चम्मच। आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। या मैंने आधा चम्मच जीरा ऐड किया है। थोड़ा सा चटकने के बाद हम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सा भूनने के बाद में हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक भूनने के बाद में थोड़ा सा भून लीजिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, उसे भी हम इसी तरीके से भून लेंगे। इनका कच्चापन दूर कर लेना, अच्छे से हमको फ्राई कर लेना है, क्योंकि ये जब टमाटर के साथ जाएंगे और आलू बैंगन के साथ जाएंगे तो कलर अलग हो जाता है, इसलिए तो अच्छे से भून लीजिए। यहाँ पे प्याज लहसुन अदरक अच्छे से भून चुके हैं। मैंने 1 चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल के अच्छे से हम इसे भून लेंगे। इसी तरीके से हम पका लेंगे। साथ ही हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर देंगे। इसी तरह से चलाते हुए हम इसमें फिर स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद थोड़ा सा पक जाए, हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा कटा हुआ आलू बैंगन। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और मसाले को सभी में अच्छे से लगा लेंगे। इसी तरीके से आप भी बनाइए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बनाने में 10 मिनट लगते हैं। बैंगन भी जल्दी पक जाते हैं और आलू भी हमने बारीक कटा है तो बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। इसी तरीके से आप सभी को मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1/2 कप पानी यूज़ कर रही हूँ और इसे हम थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ही ढक के पका लेंगे, जब तक कि पानी सूखना हो जाए। थोड़ा सा हमको जब तक आलू और बैंगन पकना जाए अच्छे से, हम स्लो आंच पे ही इसे पका लेंगे। यहाँ मैंने ढक दिया है, 6 से 7 मिनट बाद मैंने इसे निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बैंगन सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे मिक्स कर लीजिए और चेक कर लीजिए आलू पका है या नहीं। इसी तरीके से इसे चलाते हुए आप पका लेंगे। यहाँ पर मेरे आलू गल चुके हैं, मेरी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसका थोड़ा सा ग्रेवी कम करेंगे। यहाँ पे इसे हम चलाते हुए ही पकाएंगे। इसी तरीके से आप चला लीजिए। ग्रेवी हमारी कम हो चुकी है, इसमें ग्रेवी नहीं होगी ज़्यादा, तो इसी तरीके से हम चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पे मैंने घर का बना हुआ गरम मसाला यूज़ किया है। मैं इसका वीडियो भी डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे बनाया है। तो इसे अभी हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए।
एक मिनट हम पकाने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ मैं एक मिनट तक के इसको पका लूँगी कि फ्लेवर सभी में अच्छे से आ जाए। और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। और ऐसा लगता ही नहीं, बच्चे भी अच्छे आराम से आलू बैंगन की सब्ज़ी खा लेंगे, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। आप लोग भी बनाइए, खाइए और बताइए कैसा बना है। इस रेसिपी को आप गर्मा गर्म रोटी पराठे और गर्मा गर्म चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही खाने में टेस्टी है, बच्चे भी इसे आराम से खाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर कोई रेसिपी बतानी है तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।